हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट का हम पार्ट नंबर कौन सा पढ़ेंगे? नाइन पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक हमने एट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आइए देखते हैं हमारा नाइन पार्ट क्या है। बेटा हमारा नाइन पार्ट ये है, मतलब कि आज के चैप्टर का नाम क्या है? हमारा आज नाइन पार्ट है तो उसका नाम है हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। देखते हैं नीचे क्या दे रखा है। टू अरेंज गिवन नंबर्स इन द ऑर्डर ऑफ स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर इज कॉल्ड असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर्स। मतलब कि इसमें बता रखा बच्चों कि असेंडिंग नंबर क्या होते हैं। असेंडिंग हमारे होते हैं, सबसे पहले हम छोटा नंबर लगाएंगे, फिर उससे बड़ा लगाएंगे, फिर उससे बड़ा लगाएंगे, उससे बड़ा लगाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बढ़ते क्रम। क्या बोलेंगे बच्चों? बढ़ते क्रम। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार नीचे दे रखा है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग होता है घटते क्रम। क्या होता है? घटते क्रम। घटते क्रम मतलब कि सबसे पहले हम बड़ा लगाएंगे, फिर बड़ा लगाएंगे, फिर उससे छोटा लगाएंगे, फिर उससे छोटा लगाएंगे, फिर उससे छोटा लगाएंगे, फिर सबसे छोटा लगाएंगे। देखो यहाँ पे एग्जांपल में भी दे रखा है। देखो सबसे छोटा पहले लगाया था, यहाँ पे क्या था हमारा 11, उसके बाद कौन सा है 25, फिर क्या है 38, फिर क्या है बच्चों 45। इसी प्रकार नीचे देखो घटते क्रम दे रखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर दे रखा है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है 45, 38, 25 एंड 11। तो ये हमारे क्या है? घटते क्रम। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर से संबंधित। बच्चों ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। मैंने आपको पीछे बताया था ना असेंडिंग ऑर्डर कौन से होते हैं। असेंडिंग होते हैं पहले हम छोटा लिखेंगे, फिर बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर सबसे बड़ा लिखेंगे। देखो बच्चों मैंने एक सम सॉल्व भी कर रखा है और आइए मैं आपको समझाती हूँ। पार्ट ए क्या है? पार्ट ए है, ये ए दे रखा है। देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 23, 16, 18, 4। तो बच्चों ये बताओ शुरुआत की काउंटिंग में, इनमें से बताओ शुरुआत की काउंटिंग सबसे पहला नंबर कौन सा आता है? हमारा 4 आता है। क्या आता है? 4। तो यहाँ देखो मैंने 4 लिख रखा है, तो आप इसको क्या करोगे, आप साथ के साथ इसको हटाते जाओगे, तो साइड में हम एक लाइन खींच सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने इसका यूज़ कर लिया है। फिर क्या आता है बच्चों, 4 के बाद क्या आता है? काउंटिंग में आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है, साइड में आप काउंटिंग लिख के उसे मैच भी कर सकते हो। तो 4 के बाद क्या आता है बच्चों? 16 आता है। क्या आता है? 16, 16। इसके बाद देखो मैंने 16 भी लिख दिया, तो इस नंबर को भी काट देंगे। 16 के बाद बच्चों क्या आता है? 16 के बाद 17 और 18। तो 18 हमें दे रखा है ना, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ 18 दे रखा है, तो देखो मैंने यहाँ पे भी 18 लिख रखा, तो 18 भी हमने काट दिया। तो हमारे पास कौन सी डिजिट बची? एक डिजिट बची, वो कौन से नंबर की है? वो 23 की। कौन सी? 23 की। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 23। तो ये बच्चों ये रो हमारी पूरी क्या होगी? कंप्लीट होगी। जैसे 4, 16, 18, 23, इसको हमने किस में लिखा है? बढ़ते क्रम में, मतलब कि सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इसी प्रकार आपको नीचे वाला बी पार्ट और सी पार्ट कैसे करना है? ऐसे ही करना है। और किस में फिल करना है? आपको बुक में फिल करना है। कैसे करोगे आप? छोटा, बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है हमारा, क्वेश्चन है 3, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें कैसे लिखना है? मैंने आपको बताया ना डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? घटते क्रम में। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? सबसे बड़ा नंबर लेंगे, फिर उससे छोटा लेंगे, फिर उससे छोटा लेंगे, फिर सबसे छोटा लेंगे। बच्चों मैंने पहले ही आपको सॉल्व करके दिखला रखा है, इसलिए दिखला रखा है पहले आप अच्छे से समझ जाओ, फिर आपको मैं समझाती हूँ कैसे किया मैंने। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं सबसे पहले काउंटिंग कौन सी शुरू होती है बताइए। वैसे तो सीरियल वाइज हमारी 1, 2, 3 होती है, बट हमें यहाँ पे 4 नंबर दे रखे हैं ना, तो 1 की लाइन में हमारा क्या आता है? 8 आता है, और 1 की लाइन में हमारा 7 भी आता है, और 11 की लाइन में हमारा 13 आता है, और 21 की लाइन में हमारा 24 आता है। तो इससे ज़्यादा तो हमें डिजिट नहीं दे रखे हैं, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा होगा? 24। तो यहाँ पे मैंने 24 लिख लिया है, तो आप इसको काट दो, मतलब इसको एक साइड कर दो कि हमने इसका यूज़ कर लिया है। बच्चों इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास 13 है। क्या है? 13। तो 13 भी हम इसको काट देते हैं, और यहाँ मैंने देखो 13 लिख रखा है। इसी प्रकार से आपको 13 से पहले क्या आता है? फिर उससे छोटा नंबर हमारा क्या है? हमारा 8 है, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे और यहाँ से 8 काट देंगे। फिर हमारे पास लास्ट नंबर कौन सा रह गया? 7। तो सबसे लास्ट में कौन सा नंबर आएगा बच्चों? 7 आएगा। ये हमने सवाल सॉल्व कर दिया है, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रकार आपको पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर सी आपको किस में करना है? बुक में करना है।
तो बच्चों आपको अच्छे से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गए ना, इस है आगे ना आपको, तो आपको क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 आपको बुक में करना है। और जब हमारी लाइव क्लास होगी तो लाइव क्लास में इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपको क्या करना है उसके सही सही जवाब देने हैं। बच्चों आज तक हमने जितना भी पढ़ा आपको अपना होमवर्क अपनी बुक में करना है और उसकी रिवीजन करनी है। अच्छे से समझने के लिए आप इसकी क्या कर सकते हो, नोटबुक में प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज का होमवर्क ये बच्चों देखो, हमें इसी जितना भी हमने अभी तक पढ़ा उसकी रिवीजन के लिए हमें नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसको क्या बोलेंगे, मेंटल मैथ। मतलब कि आपको क्या करना है, अपना दिमाग चलाना है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े और समझे और करे उससे संबंधित आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। बच्चों जब हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ था तो उसमें क्या था, हमारा टेंस और वंस था ना, तो वो वाला फिल करना है। टेंस, हमारा टेंस पे कौन सी पोजिशन, ये दो डिजिट दे रखी है हमें, तो बताइए टेंस वाला नंबर कौन सा कहाँ पे आएगा। तो टेंस वाला नंबर हमारा 3 है तो यहाँ पे आएगा, और 5 हमारा क्या, वंस पे, तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, सरकार का ग्रेटर सितंबर, मतलब कि आपको क्या करना है, ये आपको जो दे रखा है 15, 41, 23, 27, 21, इन सभी नंबरों में से आपको कौन सा नंबर, एक नंबर छांटना है, और कौन सा जो बड़ा नंबर हो उसको, उसके ऊपर क्या करना है, आप उसके ऊपर सर्कल करना है। इसी से बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा बच्चों, देखो 21, 27 ये एक ही रो में आते हैं, और 23 भी एक ही रो में आते हैं, और ये क्या है 15, ये 11 की रो में आता है। तो सबसे लास्ट वाली रो कौन सी होती है हमारी, जो इन नंबरों के बाद में आ रही है, 41 की। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है, 41, तो इस पर क्या करेंगे हम, सर्कल लगाएंगे। तो बी सी डी पार्ट आपको खुद करना है अपनी बुक में। इसी प्रकार आपको दे रखा है थर्ड क्वेश्चन, तो सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब कि छोटे नंबर पे आपको सर्कल लगाना है। अभी हमें बड़े नंबर सीखे, अब बड़े छोटे नंबर सीखेंगे। 11 हमारा ए पार्ट है, 11, 25, 6, 39, 19। बच्चों इनमें से देखना है आपको सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो बेटा आप इजली से ढूंढ सकते हो, पूछो कैसे, अभी मैं आपको तरीका बता दूँ। देखो ये हमारे पास 2 डिजिट है, ये भी हमारे पास 2 डिजिट है, और ये भी हमारे पास 2 डिजिट है, और ये भी हमारे पास 2 डिजिट है। सबसे कम डिजिट वाला नंबर हमारा क्या है, सिंगल डिजिट, ये क्या है 6। तो हमने ढूंढ लिया ना बच्चों, देखो 6 हमारा सिंगल डिजिट का है, तो इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, सर्कल लगाएंगे। इसी तरह आपको अभी मैंने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर समझाए थे ना, तो बच्चों ए पार्ट में देखो एग्जाम्पल के थ्रू आपको दे रखा है 17, 23, 26, 28, तो इसको क्या कर रखा है, बढ़ते क्रम में लगा रखा है। और नीचे वाला क्वेश्चन आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि घटते क्रम में। तो देखो ए पार्ट में आपको सॉल्व करके बता रखा है, जैसे सबसे बड़ा नंबर आपको दे रखा है 49, 35, 27 और 11। इसी प्रकार आपको बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट आपको अपनी बुक में करने हैं। तो बच्चों अभी तक हमने जो भी रिवीजन करी है या जो भी एक्सरसाइज पढ़ी है उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है। इसलिए आपको किस में करना है, आपको बुक में करना है। जब हमारी लाइव क्लास होगी तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है बच्चों, आज की क्लास इतनी ही, आज की क्लास का एंड यहीं पे होता है।